अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई उमर शेख। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज इस गाड़ी सी टी है और 2023 मॉडल है, फुल ऑप्शन वाली गाड़ी है, 1.5 टॉप ऑफ द लाइन अलॉय रिम वाली गाड़ी है, ऑटोमेटिक वाली गाड़ी है। ले चलते हैं इसके वॉक अराउंड की तरफ। आपको वॉक अराउंड से आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइट कितनी ज़बरदस्त हेडलाइट्स हैं, फोग लैंप हैं, और ये इसका फ्रंट लुक है। फ्रंट लुक आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। टायर्स के अंदर ब्रांड न्यू है। ये गाड़ी की माइलेज भी आपको बताते हैं और इसकी ड्राइव भी देंगे। स्क्रैच लेस है गाड़ी, कोई डेंट, कोई निशान, कोई दब, कोई खराश, कुछ भी नहीं है। गाड़ी बहुत प्यारी गाड़ी है, पंजाब का नंबर है, 2023 मॉडल है। और ये देखें माशाल्लाह, ब्लैक कलर पे वैसे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी बड़ी नीट एंड क्लीन है। जिस भाई को भी चाहिए हो एच एस मोटर रब्ता कर सकता है। और ये देखें, ले चलते हैं आपको इसके अंदर और अंदर से भी आपको दिखा देते हैं। गाड़ी भी बड़ी फ्रेश लुक की गाड़ी है। कीलेस एंट्री है, क्योंकि मैंने बताया आपको 1.5 है, फुल ऑप्शन है। फुल ऑप्शन में कीलेस एंट्री आती है। और इसके साइड मिरर की बात करें तो साइड मिरर भी ऑटो डिटेक्टेबल है और इंडिकेटर के साथ हैं। ले चलते हैं अंदर। अंदर जाने से पहले आप देख सकते हैं इसकी वाइब अंदर की, ये देखें। देखिए जी, माशाल्लाह इको का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है, रिटेक्टेबल मिरर हैं और मिरर एडजस्ट हैं। और ये देखें जी, ये हमने स्टार्ट कर दिया। क्रूज़ की ऑप्शन इसमें है और स्टेयरिंग अप डाउन होता है। मीटर कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं। गाड़ी ड्राइव है 13,361 किलोमीटर। और ये देखेंगे, क्लाइमेट कंट्रोल है, डिजिटल सारी चीज़ें हैं, पुश स्टार्ट है, एंड्रॉयड पैनल इसमें लगाता है बिल्टन, टू लाइट्स की ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, और कंसोल बॉक्स आप देख सकते हैं बड़ा ही खुला है। और गाड़ी की हेड वगैरह भी अच्छा है, आर्मरेस्ट चेक कर सकते हैं आप, आर्मरेस्ट भी है इसके अंदर। और ऑटो गियर में गाड़ी है और ये इसका चार्जिंग सॉकेट है। बोतल रखने की साइड पे भी जगह है और इस साइड पे भी जगह है। और ले चलते हैं आपको पीछे की तरफ। गाड़ी ज़रा सिंपल सी गाड़ी है, जो पाकिस्तानी गाड़ी है सिंपल ही होती है, जापानी गाड़ी में ज़्यादा होती है। ले चलते हैं पीछे। इसकी पीछे 3% कैपेसिटी है और लेग स्पेस बहुत ही अच्छी है, लेग स्पेस बहुत अच्छी है आगे से भी और पीछे से भी। और ले चलते हैं आपको उसके पीछे, ये देखें। इसकी एसी वेंट्स पीछे भी हैं, डबल चार्जिंग सॉकेट हैं। चलो पाकिस्तान ने कोई काम तो अच्छा किया। तो पीछे से भी आप देख सकते हैं गाड़ी बहुत ही ज़्यादा खुली है, लग्जरी है। और ये देखें जी, आम एसी इसमें भी मौजूद है माशाल्लाह। गलती से बता कर रहा हूँ, आप लोग सीरियस ना हो जाना। और दिखाते हैं आपको इसकी डिग्गी खोल के। और जी जनाब, देखिए माशाल्लाह बहुत ही बड़ी डिग्गी है, 2-3 बैग वगैरह आप रख सकते हैं। स्टेपनी वगैरह अनटच है, स्टेपनी यूज़ नहीं हुई, आप देख सकते हैं स्टेपनी वगैरह यूज़ नहीं है इसकी। और ले चलते हैं इसके बोनट की तरफ। दोस्तों ड्राइव आपको कैसी लगी, गाड़ी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल किस गाड़ी का रिव्यू लेकर आना है वो भी आप बताइएगा। ये उन लोगों की डिमांड पर बनी है जिन्होंने आज से 2 डेज पहले जिन्होंने मुझे कहा था कि होंडा सिटी 2023 होंडा सिटी, तो फिर मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी की है। अब अगले दोस्त जो मुझे फरमाएंगे मैं उनके लिए उनकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बार बार एक लफ्ज़ में बोलूँगा आप लोगों से, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर मेरे से मोहब्बत करते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा।